और आइए रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात में कभी किताब तो कभी बिना किताब के परीक्षा पर असमंजस बना हुआ है। हालांकि अब किताब के साथ परीक्षा पर रोक लगी हुई है, इसके बावजूद छात्रों का नुकसान हो रहा है। गुजरात में 25 लाख स्कूली बच्चों के साथ अजीब खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री एक राय जताते हैं, दो ही दिन में उस पर अमल हो जाता है कि छात्र किताब के साथ परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन एक ही दिन बाद इस फैसले पर रोक लगा दी जाती है। जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई आदर्श शिक्षक है, ये सब लोगों को और जो बच्चे हैं उनके जो गार्डियंस है उन सब के साथ परामर्श करके इस बारे में आगे जो भी निर्णय लेना है वो निर्णित किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस फैसले पर रोक के पीछे शिक्षाविदों और छात्रों का विरोध तो एक कारण था ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण रहा शिक्षा मंत्री रमण वोरा की नाराजगी। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। उनके कहने का सुर था कि उनके अधिकारी भी सिर्फ मुख्यमंत्री की चाटुकारिता में व्यस्त हैं और इसमें भी उनसे मशविरा नहीं किया जाता। पहले कुछ छात्रों ने खुशी जताई थी और कुछ ने नाराजगी, लेकिन अब सभी असमंजस में हैं। विद्यार्थी द्विधा में पड़ गए हैं कि हम क्या करें। हर साल 10 लाख बच्चे बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और हमारे साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अपने आकाओं को खुश करने की अफसरों की राजनीति से बच्चों का भविष्य दांव पर है, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं है। अहमदाबाद से राजीव, NDTV इंडिया के लिए।